एक दुखद घटना घटी है। पिछले लगभग 15 दिनों से जिस प्रकार से पूरे कश्मीर का वातावरण देशभक्ति का है, तिरंगामयी है, हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है, वहां पर जिस प्रकार से रैलियां निकाली जा रही हैं, कुछ लोगों का फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है। उसी आधार पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, हमें ये मानना पड़ेगा। और आज जो घटना हुई है, ये इस सभी चीज़ को मुझे लगता है थामने के लिए, रोक लगाने के लिए हुई है। हमारे सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से जो टारगेट किलिंग पहले भी हुई है उनको भी मार गिराया गया है, इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कुछ राजनीतिक पार्टियां जो गलत बयानबाजी के साथ करती हैं, इन लोगों को बल मिलता है। तो अब ये काबिले बर्दाश्त तो नहीं है, एक जो मुहिम हमारे कश्मीरी पंडित समाज को वापस लाने की कोशिश की जा रही है उसमें अपना ये विघन डालने के लिए इसको किया गया है। लेकिन जल्द ही उम्मीद करनी चाहिए, इस प्रकार की जब कोल्ड वार होती है तो इस प्रकार के बलिदान होते हैं, उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जल्द उनको मार गिराया जाएगा।